हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, वीवो का वी सीरीज़ मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर रहा है क्योंकि प्राइस के हिसाब से इसकी कैमरा परफॉर्मेंस हमेशा से ही अच्छी होती है। और इस सीरीज़ में जल्द ही दो नए फ़ोन्स वीवो V21 और वीवो V21 Pro लॉन्च होने वाला है। वैसे इसका एक 4G वेरियंट भी आएगा जो कि वीवो V21 AC के नाम से लॉन्च होगा। आने वाला ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सीरीज़ का कैमरा काफ़ी दमदार होगा और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिलने वाली है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस फ़ोन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं सही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों, फ़ोन का लुक और डिज़ाइन काफ़ी हद तक वीवो V20 सीरीज़ के जैसा ही है, लेकिन इसकी इन हैंड फील पहले से अच्छी होने वाली है। ये फ़ोन पिछले सीरीज से ज़्यादा थिन और ज़्यादा लाइट वेट होने वाला है और वीवो का कहना है कि ये अभी तक का सबसे स्लिम 5G फ़ोन होगा। इस फ़ोन को काफ़ी सारे नए एक्साइटिंग कलर्स में लॉन्च किया जाएगा जो कि यूज़र्स को काफ़ी पसंद आने वाला है। इस बार इसका मेन हाईलाइट इसका कैमरा होगा क्योंकि इस बार इसके फ्रंट और रियर दोनों में ही OIS का सपोर्ट मिलने वाला है। यही नहीं, इसके सेल्फी कैमरे के लिए दो सॉफ्ट LED लाइट भी दी गई है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगी और ऐसा किसी मिड रेंज डिवाइस में पहली बार देखने को मिलेगा, जो कि सेल्फी लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। प्रो मॉडल में 44+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, तो वहीं बेस मॉडल में सिंगल 44 मेगापिक्सल का और दोनों में ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑटो आई फोकस का भी सपोर्ट मिलेगा। रियर साइड में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा और ये सेम सेटअप दोनों ही मॉडल्स में होगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में ही 5G का सपोर्ट मिलेगा और वैसे इसके प्रोसेसर को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसमें स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ का चिपसेट दिया जाएगा जो कि मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इस बार इसमें एक्सटेंडेड वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट दिया गया है जो कि फ़ोन के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा स्मूथ कर देगा। इसके बेस वेरिएंट में 8GB की मेन रैम और 3GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा। वहीं स्टोरेज के लिए इसमें 128GB का स्पेस दिया जाएगा जिसको आप फर्दर एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बैटरी की बात करें तो इसमें 4000mAh की बैटरी दी जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वैसे फ़ोन स्लिम होने की वजह से इस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आपको ये एक दिन का बैकअप आराम से दे देगी। ये लेटेस्ट फनटच OS पे रन करेगा जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा और सिक्योरिटी के लिए इसमें फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपके इस फ़ोन के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस फ़ोन को किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।